फ्रेंड्स, अंकिता जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पकवान। ये एक यमी ब्रेकफास्ट है, तो देखें इसे कैसे बनाना है। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा, आधा कप सूजी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक। इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। अब और हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल हमें मैदा को बाउंड करने के लिए लेना है। इस तरीके से मैदा बाउंड हो जानी चाहिए, इसमें ज़्यादा तेल भी ना डालें। अब इसे हम एक नॉर्मल डो तैयार करेंगे। डो ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट। अब इसे डो बना के हम तेल से गार्निश कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, हम यहाँ दाल की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ 1.5 कप दाल चने की ली है। इसे मैंने 1-1.5 घंटा सोक करके रखा था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 500 ml पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और इसका ढक्कन लगा के हम फुल फ्लेम पे रख देंगे और 4 से 5 सीटी ले लेंगे। यहाँ हमारा डो रेडी है। मैंने एक छोटा सा पेड़ा बनाया है। इसे हमें रोटी के जैसा ही बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। इसे मैंने सूखे मैदे में परथन के जैसे लगा के बेलना स्टार्ट कर दिया है। जब ये बेल के तैयार हो जाए तो हम इसमें कांटे के द्वारा छेद कर लेंगे इस तरीके से, जिससे ये फूले ना, क्योंकि हमें एक क्रिस्पी टेक्सचर चाहिए जो कि काफ़ी क्रंची क्रंची और क्रिस्पी टेस्ट दे। अब हम इसे एक गरम तेल में तल लेंगे। तेल को मैंने काफ़ी गरम कर लिया था। इसे दबा दबा के ढंग से सेक लेंगे। ध्यान रखें कि आपकी फ्लेम तेज ही रहनी चाहिए। अब इसे पलट लेंगे और दूसरी ओर से भी इसे इसी तरीके से सेक लेंगे। हमारा पकवान एकदम तैयार है। अब हम यहाँ दाल में तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हींग डाली है और 1 चम्मच जीरा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का डालेंगे, 1 चम्मच मिर्ची। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और पानी के साथ इसे सौते कर लेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डालेंगे। पानी इसलिए यूज़ किया है जिससे मसाले जले ना। अब इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसे हमें फ्राई नहीं करना है, जिससे हरी मिर्च का एक क्रिस्पी सा टेक्सचर रहे। अब इसमें हम हमारी बॉयल दाल ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। हमारी दाल में हम नमक ऐड करेंगे, पर थोड़ा कम, क्योंकि हमने दाल उबालते टाइम भी नमक यूज़ किया है। हमारी दाल एकदम तैयार है, तो आइए अब हम पकवान को ग्रेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 पकवान के ऊपर दाल ग्रेस किया है। इसमें अब हम हरी चटनी और लाल चटनी मिक्स कर देंगे।
लाल चटनी और हरी चटनी की रेसिपी आप मेरी कचौड़ी की रेसिपी में भी देख सकते हैं। आप चाहें तो आप दाल को अलग से भी ग्रेज करके खा सकते हैं पकवान के साथ, पर मुझे यूं ही खाना पसंद है। इस पे मैं बारीक प्याज डालूंगी, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ इसे सर्व करूंगी। हमारे दाल पकवान बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे बना के अपने घर में ज़रूर देखें और कमेंट्स में अपने अनुभव मेरे साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।